हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यूनियन और स्ट्रक्चर के मध्य में जो अंतर है उनको पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो पहला पॉइंट है, ए स्ट्रक्चर इज यूज टू डिफाइन ए डेटा टाइप विद सेवरल फील्ड्स और मेंबर्स। ईच फील्ड और मेंबर टेक्स अप ए सेपरेट स्टोरेज लोकेशन, वेयर एज ए यूनियन इज सिमिलर टू ए स्ट्रक्चर। हाउएवर इट डिफाइंस ए सिंगल लोकेशन दैट कैन बी गिवन मेनी डिफरेंट फील्ड नेम्स। मतलब यह है कि अनेक फील्ड मेंबर्स वाले किसी डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। अब स्ट्रक्चर में प्रत्येक फील्ड मेंबर एक पृथक स्टोरेज लोकेशन का उपयोग करता है, मतलब कि स्ट्रक्चर में जितने मेंबर्स हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस का उपयोग करते हैं। जबकि यूनियन किसी स्ट्रक्चर के समरूप होता है, हालांकि यह एक ऐसे सिंगल लोकेशन को परिभाषित करता है जिसे उसके सभी मेंबर्स उपयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में तो क्या होता था, जितने फील्ड या मेंबर्स हैं वो पृथक पृथक मेमोरी लोकेशंस का उपयोग करते हैं, जबकि यूनियन में क्या है कि जो पृथक पृथक मेंबर्स हैं वो सिंगल लोकेशन का उपयोग करते हैं। और आगे देखिए, ये यूनियन ओनली अलोकेट्स एज मच मेमोरी एज इट इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट और मेंबर रिक्वायर्स, व्हाइल ए स्ट्रक्चर अलोकेट्स द टोटल साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इट। मतलब यह कि यूनियन द्वारा केवल उतनी मेमोरी आवंटित की जाती है जितनी उसके सबसे बड़े एलिमेंट या मेंबर को आवश्यक होती है, जबकि स्ट्रक्चर द्वारा उसके भीतर विद्यमान सभी एलिमेंट्स की कुल साइज के बराबर मेमोरी आवंटित की जाती है। मतलब यह कि मान लीजिए स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट, एक इंटीजर और एक करेक्टर, तो इंटीजर ने 2 बाइट्स और करेक्टर ने 1 बाइट, यानी कुल 3 बाइट। जबकि एलिमेंट में क्या होगा, अब चूंकि सेम चीज अगर एलिमेंट के लिए देखें तो सबसे बड़ा इसका एलिमेंट 2 बाइट ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो कुल 2 बाइट ही मेमोरी अलोकेट की जाएगी, 3 नहीं की जाएगी। क्योंकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन द्वारा केवल उतनी ही मेमोरी आवंटित की जाती है जितनी उसके सबसे बड़े एलिमेंट को आवश्यक होती है। अब यहाँ सबसे बड़े एलिमेंट को 2 बाइट चाहिए, इंटीजर है, तो इसलिए कुल अलोकेशन 2 बाइट का होगा। तो समझ में आया कि यूनियन द्वारा केवल उतनी मेमोरी आवंटित की जाती जितनी उसकी उसके सबसे बड़े एलिमेंट को आवश्यक होती है, जबकि स्ट्रक्चर द्वारा उसके भीतर विद्यमान सभी एलिमेंट की कुल साइज के बराबर मेमोरी आवंटित की जाती है। इन स्ट्रक्चर द फील्ड्स और मेंबर्स डू नॉट इंटरैक्ट, चेंजिंग और मैनिपुलेशंस ऑफ वन मेंबर्स विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द अदर्स इन एनी वे अनलेस दे आर ऑपरेटेड ऑन इन कोड टू डू सो। While in union, all fields or members interact because of same space, so any changes affects to all. Structure में members परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। एक member को परिवर्तित या संशोधित किए जाने से किसी भी प्रकार से दूसरे की values पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए program code में नहीं कहा गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी members अलग अलग मेमोरी लोकेशंस का उपयोग करते हैं, अतः किसी एक को परिवर्तित कर दें या संशोधित कर दें तो उसका प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ेगा। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता, यूनियन में समस्त फील्ड्स एक ही समान स्पेस की वजह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अतः कोई भी परिवर्तन सभी को प्रभावित कर देता है। कारण बहुत साधारण सा है, क्योंकि यूनियन में समस्त फील्ड्स एक ही स्पेस को आपस में काम में ले रहे हैं, इसलिए वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक में परिवर्तन करेंगे तो उसका प्रभाव अन्य पर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनियन विल स्टोर वन एंड ओनली वन एक्चुअल वैल्यू फॉर वन एलिमेंट एट ए टाइम। इफ अनदर एलिमेंट इज स्टोर्ड बिफोर द फर्स्ट इज रिट्रीव्ड, द फर्स्ट स्टोर्ड वैल्यू इज लॉस्ट। दिस प्रेजेंट्स द प्रोग्रामर विद एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यूजिंग ए यूनियन टू डिटरमाइन दैट द लॉजिक विल प्रॉपरली स्टोर ऑल वैल्यूज used in the union through a correct lifetime and scope. However, members
Inside a structure are always stored in separate memory locations throughout the lifetime and scope of the entire structure. इससे हमारा ये मतलब है कि यूनियन एक बार में एक एलिमेंट की एक और केवल एक ही वास्तविक वैल्यू को संग्रहित करता है। इस वैल्यू को उपयोग किए जाने के पूर्व यदि दूसरा एलिमेंट संग्रहित हो जाता है तो पहले संग्रहित की गई वैल्यू लुप्त हो जाती है। कारण क्या है? यूनियन में सभी एलिमेंट एक कॉमन लोकेशंस का उपयोग कर रहे हैं। यूनियन एक बार में एक ही एलिमेंट की एक और केवल एक ही वास्तविक वैल्यू को स्टोर करेगा। इस वैल्यू का अगर उपयोग किए जाने से पूर्व ही यदि दूसरा एलिमेंट संग्रहित हो जाता है तो पहले संग्रहित की गई वैल्यू लुप्त हो जाती है। इसी वजह से प्रोग्रामर के समक्ष यूनियन का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किए जाने की अतिरिक्त जवाबदारी होती है कि उचित लॉजिक द्वारा सही लाइफ टाइम और स्कोप के माध्यम से यूनियन में प्रयुक्त होने वाली समस्त वैल्यूज को समुचित रूप से संग्रहित किया जाए। जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में संपूर्ण स्ट्रक्चर में पूरे लाइफ टाइम और स्कोप के दौरान उस स्ट्रक्चर के भीतर मेंबर सदैव ही पृथक मेमोरी लोकेशंस में संग्रहित रहते हैं। स्ट्रक्चर में चूंकि हर एक एलिमेंट हर एक मेंबर पृथक लोकेशंस काम में ले रहा है इसलिए ये पूरे लाइफ टाइम और स्कोप के दौरान उपलब्ध रहते हैं। यद्यपि संपूर्ण स्ट्रक्चर में पूरे लाइफ टाइम और स्कोप के दौरान उस स्ट्रक्चर के भीतर मेंबर सदैव ही पृथक मेमोरी लोकेशंस में संग्रहित रहते हैं। यूनियन की बात ही इनमें स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट की एक और केवल एक ही वास्तविक वैल्यू संग्रहित करें और इस वैल्यू को उपयोग किए जाने के पूर्व यदि दूसरा एलिमेंट आ जाता है स्टोर हो जाता है तो पहले संग्रहित वैल्यू लुप्त हो जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होता। कारण कि स्ट्रक्चर में पूरे लाइफ टाइम स्कोप के दौरान उस स्ट्रक्चर के भीतर मेंबर्स सदैव ही पृथक मेमोरी लोकेशंस में स्टोर रहते हैं। अगले लेक्चर में हम इनमें क्या समानता है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।